नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजीत। आप सभी लोगों का स्वागत है टेक्नोलॉजी चैनल में। आज आप लोगों को बताऊंगा दोनों ऑफर के बारे में, जो एक है फ़ोनपे मर्चेंट्स यूजर्स के लिए फ़ोनपे बोनी ऑफ़र और दूसरा है अमेजन का नया कस्टमर के लिए स्कैन एंड पे ऑफ़र। ये दोनों ऑफर को आप डिटेल्स में समझाऊंगा। और आपके लोगों के पास छोटा सा रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन की दबा दीजिए ताकि आप नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले देख सके। चलिए दोस्तों, वीडियो के फटाफट से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो फर्स्ट ऑफर बताया मैंने फ़ोनपे मर्चेंट के लिए, जो फ़ोनपे बनी ऑफर, ये सभी फ़ोनपे मर्चेंट यूजर्स के लिए नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं मर्चेंट यूजर्स के लिए मिलेगा जिसने फ़ोनपे एजेंट के थ्रू, जो जिसने फ़ोनपे मर्चेंट क्रिएट किया, सिर्फ उन्हीं लोगों का एक ये ऑफ़र मिलेगा। और इस ऑफ़र को मैं डिटेल्स में मैं दिखा देता हूँ, जो मैंने स्क्रीनशॉट करके रखा, यहाँ देख लीजिए। जो फ़ोनपे बनी ऑफ़र पर डे आपको मिलेगा ऑन फ्लैट 44 रुपीज़ पर डेली, और इसको टोटल 10 टाइम्स पेमेंट कलेक्ट करना होगा, जो कि फर्स्ट पेमेंट एक्सेप्ट करने पर आपको मिलेगा 11 रुपीज़, और उसके बाद फिफ्थ ट्रांजेक्शन कलेक्ट करने के एक्सेप्ट करने के बाद आपको मिलेगा 11 रुपीज़, और उसके बाद आपको लास्ट 10 ट्रांजेक्शन आपको पूरी करने पर आपको मिलेगा 22 रुपीज़, यानी टोटल पर डे 44 रुपीज़ मिलेगा। और यहाँ पर देख लीजिए फ़ोनपे, जो फ़ोनपे फॉर बिजनेस एप्लीकेशन है, यहाँ पर ओपन करोगे तो यहाँ पर इस ऑफर का कोई भी ऑप्शन नहीं शो होगा यहाँ पर। और ये जो ऑफ़र स्टार्ट हुआ कल रात 20 जून से कल रात 12 बजे से 31 जुलाई तक। और यहाँ देख लीजिए, मैंने कल रात 12:41 में ये जो 100 रुपीज़ पेमेंट कलेक्ट किया, और ये जो फर्स्ट पेमेंट कलेक्ट किया तो इसके दौरान जो मेरे को 11 रुपीज़ कैशबैक मिला, वो भी आपके सामने मैं दिखा देती हूँ पेटीएम ओपन करके। ये जो मेरा पेटीएम ओपन करता हूँ, और यहाँ पर जो बैंक वाला सेक्शन है, यहाँ पर मैं पासवर्ड देकर लॉग इन करूँगा। और यहाँ पर देख लीजिए मेरा जो ये जो पेमेंट है अवेलेबल फॉर पेमेंट, यहाँ पर जो मेरा बैंक का जो बैलेंस है, यहाँ पर मैं टैप किया तो यहाँ पर जो रिसेंट में देखा देती हूँ, जो मैंने दिखाया कल रात 12:41 में जो 100 रुपीज़ पेमेंट कलेक्ट किया, तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन एक्सेट वो काउंट हो गया, तो उसके दौरान मेरे को 11 रुपीज़ कैशबैक मिला यहाँ देखिए, जो कि फ़ोनपे मर्चेंट के तरफ से है, जो 11 रुपीज़ कैशबैक मिला। और उसके बाद मैंने और भी दोनों पेमेंट कलेक्ट किया, मैं देखा देती हूँ फ़ोनपे, जो फ़ोनपे पर बिजनेस है उसको ओपन करके, और यहाँ ओपन हो रहा है। और यहाँ देखिए, जो मैंने उसके बाद भी दोनों पेमेंट कलेक्ट किया, तो मैंने कोशिश करा तो और भी दोनों पेमेंट एक्सेप्ट करके, जो कि फिफ्थ ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट होगा उसके दौरान जो 11 रुपीज़ कैशबैक हुआ, तो मैं उसके कोशिश किया। तो अभी जो मैंने जो दूसरे जो फ़ोन है वहाँ पर जो फ़ोनपे है वहाँ पर मैंने पेटीएम पेमेंट बैंक रजिस्टर है, तो वहाँ से मैं कोशिश किया तो वहाँ से पेमेंट नहीं हुआ। तो फिलहाल को ये दिक्कत दिखा रही है, जो कि मेरे को पता नहीं है ये फिलहाल फ़ोनपे के तरफ से दिक्कत है या पेटीएम पेमेंट बैंक से, जो काइंडली अनअवेलेबल दिखा रही है, जो कि जो मेरा जो मर्चेंट साइट स्कैन करके जो पे करना चाहता हूँ। तो फिलहाल ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा 2-3 घंटे के बाद में। तो आप कोशिश करोगे तो आप भी इस ऑफ़र को ले लीजिए। तो मैंने जो बताया, जो इस ऑफ़र स्टार्ट हुआ आज ही रात 12:00 जो 20 जून तक जून से, और इस सफ़र का वैलिडिटी है 31 जुलाई तक, यानी टोटल 42 डेज। और पर डे आपको मिलेगा पेमेंट एक्सेस करने पर, 10 पेमेंट एक्सेस करने पर 44 रुपीज़। और 42 डेज के लिए आपको कितना अमाउंट मिलेगा, 1848 रुपये। तो कितना बहुत ज़्यादा कैशबैक इतना अमाउंट, तो आप भी लूट लीजिए इस ऑफर को, आपको लूटना चाहिए आपको। अगर आपको फ़ोनपे मर्चेंट, आप किसी भी फ़ोनपे एजेंट के थ्रू खुला है तो, और इस ऑफर को लूट लीजिए। और मैंने जो दूसरा जो ऑफ़र बताया, जो कि अमेजन का नया कस्टमर के लिए, यहाँ पर देख लीजिए ऑफ़र क्या है। अमेजन को मैं ओपन करा रहा हूँ, और अमेजन को ओपन करने के बाद आपको जाना है अमेजन पे, अमेजन जो पे है यहाँ पर टैप करिए,
और यहाँ पर जो नीचे चले जाना, यहाँ पर नीचे चले जाना और यहाँ पर देख लीजिए, जो कि फर्स्ट टाइम यूजर्स के लिए, जो कि ये जो कैशबैक है ऑफर, फर्स्ट टाइम यूजर्स गेट अप टू 500 रुपीज़ कैशबैक। आपको मिनिमम पेमेंट करना होगा 250 रुपीज़, जो कि नियरेस्ट जो अमेजन का मर्चेंट साइट जो कि स्टोर है वहाँ पर आपको मिनिमम 250 रुपीज़ स्पेंड करना होगा, और उसके दौरान आपको अप टू 500 रुपीज़ कैश मिलेगा। तो आपके अगर आपके पास दूसरे जो अमेजन का अकाउंट है, नया अकाउंट, और दूसरा जो एक बैंक अकाउंट है वहाँ पर कोई भी यूपीआई, अमेजन यूपीआई पर पहले से रजिस्टर नहीं है, तो आप दूसरे अमेजन अकाउंट पर उस जो नया जो बैंक अकाउंट है उसको ऐड करिए और यूपीआई सेट करिए, और इसके बाद इस ऑफर को ले लीजिए। सो दोस्तों, वीडियो के पसंद है तो वीडियो के कर दीजिए एक लाइक, शेयर एंड कमेंट।